सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटर बोल रहा हूँ। तो आज हमने जो अमृतसर वल्ला गांव के पास जो हमने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लग रहा है, जहाँ पर आपको थोड़ा कैमरा में दिखा देगा, ये प्रोजेक्ट के पास ही हम सब खड़े हैं। तो यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने काले चोले पहनकर कालियाँ झंडियाँ लगाकर इसको मार्च किया आज, जिसमें बड़ी गिनती में माताएं बहनें भी शामिल है, ताकि जो जो सरकारों के बहरे कान हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि जो पंजाब का पानी है वो कारपोरेट घरानों को, हम जो आम लोगों को मूल्य पे बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। जितने भी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में लगाए हैं, पंजाब सरकार उनका मता विधानसभा में ले आकर से रद्द करे। इसी के साथ साथ जो धान की वजह से पंजाब का नीचे का पानी ज़्यादा घटा है, उन सब के ऊपर बाकी जो तेई फसलें हैं जो कम पानी पीती हैं, उनका मूल्य C2FAR मूल्य के अनुसार देकर जो है वो दूसरी फसलें हमसे बिजाई जाएं। इसी के साथ साथ जो बरसात का पानी है, जो पंजाब में बरसात, देश भर में बरसात बहुत हो रही है, इनको ज़मीन के हेठ रिसाव कैसे किया जाए, उनकी को योजना ठोस लाई जाए, ताकि ज़मीन के नीचे का स्तर जो ऊँचा हो सके पानी का। इसी के साथ साथ दरियाओं को ज़मीन के हेठ नीचे का पानी जो इंडस्ट्री ने गंदा किया, वो इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उस पानी को दोबारा संशोधन करके शुद्ध करके आम लोगों को दिया जाए, ये खेतीबाड़ी के लिए जा, पीने के लिए जा, और कारोबार के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाए। हम आम तौर पे पंजाब की इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं है, पंजाब की इंडस्ट्री जो पानी दूषित कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारा आंदोलन तीसरे दिन में पूरे पंजाब में दो जथे यूनियंस BKU एकता ग्राहक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी चला रही है, और दो दिन और चलेगा, 5 दिन तक, ता जो पंजाब का जो पानी है वो हम किसी भी कीमत के पंजाब के लोगों को मूल्य बेचने नहीं देंगे। धन्यवाद। पहला किसानों वालों 3 काले कानून रद्द कराने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए, दिल्ली जाके बैठा गया। तो हूँ पंजाब के पानिया लैके किसानों वालों जोड़ा है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक पानी का प्रोजेक्ट जोड़ा कि अमृतसर के लगा हुआ, तस्वीर तेजे साझिया कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है जोड़ा कि पिछले 2 सालों तो चल रहा है। तो इसको हूँ रोकन के लिए, क्योंकि यह कारपोरेट घरान की गल दसी जा रही कि हूँ पंजाब के पानी जोड़ा है असी कारपोरेट घरान के हथों नहीं विकन देवे, तो यह प्रोजेक्ट जोड़ा है रोकन के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंडेर जड़े ने उन्होंने वालों ये धरना प्रदर्शन जोड़ा है जगह पर किया जा रहा है। साढ़े नाल इस समय सरवण सिंह पंडेर साहब मौजूद ने, गलबात कर लें। सर, पहला तुसीं धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली तक कूच की गई सी 3 काले कानून रद्द कराने लिए, हुण धरना क्यों लगाया गया, आखिरकार की वजह पै गई है कि सानू इस जगह के उत्ते धरना लगाना पिया? देखो, ये साडा दो जथेबंदियों वालों 19 थावां च अपने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 12 थावां ते इस तरीके जे वर्ल्ड बैंक दे लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड वालों जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे उन्होंने नहरी विभागों के खिलाफ, तो जिदा ट्राइडेंट के खिलाफ जोड़े गंदे नाले आ वेई तो लुधियाने चल रहे मोर्चे, यदा मुख्य मकसद ये हैगा भी पंजाब के जमीन हेठला पानी थोनू पता लगभग बहुत डूंगा चला गया, तो एक गंभीर संकट आ देश विच ते पंजाब विच भी पानी का। तो पानी का संकट किवें हल होवे, इस ते वातावरण की शुद्धता होवे, इहदे ते मोर्चा लगा अपना। इस मुख्यता हैगा भी वर्ल्ड बैंक ने 2005 दे विच जिहड़ी नीति लैके आंदी आ भी जिहदे मुताबक पानी एक वस्तु आ, उत्ते कब्जा भी करो तो उहनूं वेचो भी, जबकि कुदरती स्रोत ने यह पानी दे, ते सरकार ने उन्हां दी गल मन ली आ। वह कह रहे भी जिन्ना थोड़ा पानी गंदा होया वा इहनू साफ करके लोगों मुल वेचण दे सारे प्रोजेक्ट कंपनियां दित्ते जाण, उहदे तहत ही आह प्रोजेक्ट भी लग रहा। साडा मकसद हैगा सरकार वालों कदों पास किया गया ये तकरीबन 2012 च उन्हें मान लिया, तो ये प्रवानगी पंजाब सरकार ने भी दी हुई है। पंजाब सरकार जिहड़े अदारे आ उन्हां सारे अदारियां ने पोल्यूशन वाला महकमा हो गया, किरत कमीशन हो गया, होर जरूरी अदारे ने उन्होंने भी मंजूरी दी हुई है। तो यह उन्होंने मेहरबानी ने प्रोजेक्ट लग रहे हैं, साडा भी पंजाब सरकार विधानसभा मता लिया के सारे
संसार बैंक के प्रोजेक्ट रद्द कर दे। एक तो हैगा भी पानिया का संकट जे हल करना तो तुसी बरसात दे पानी नू जमीन हेठ मुड़ भराई किवें होवे उहदे को ठोस योजना लिया उहदे लई फंड रखो। अज किन्नी बारिश हो रही है अजाई चल जाना पानी। इदों कहां भी जिहड़ा दरियावां दा नहरां दा पानी है ये वध तो वध संचाई खेतर लई आवे। ये उल्ट हो रहा है भी यह संचाई खेतर का पानी नहर का हुण शहर वालों नू मुल वेचण चले। असी इस गल के विरोधी नहीं कि शुद्ध पानी ना मिले, ये शुद्ध पानी देना नहीं मुल वेचना। मान लो जे अमृतसर के 16-17-18 लाख लोगों को कोई पानी देना तो तुम अमृतसर के बाईपास से गंदा नाला देखा होना जोड़ा बरसाती नाला वो कपड़ा रंगने वाली मिलों का खन्ना फिल कि पानी जा रहा। जो उत्ते ट्रीटमेंट प्लांट लाया जाता उन्होंने मुड़ सोध के वरत्या जाता तो पानी भी बच जाना सीगा तो काम ही हो जाना। पर ये तो काफ़ी देर पहले की समस्या ना, अजे तक तो सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिता। यही यही आ भी सरकार का ध्यान देन दवाउन वास्ते असी बोल रहे हैं भी हुण सरकार इस गल वल ध्यान देन। दूजा असी इंडस्ट्री के विरोधी नहीं है, पंजाब इंडस्ट्री लगनी चाहिए है, रुजगार मिल रहा। हाँ इंडस्ट्री जमीन चो पानी कढ़दी आ चाहे नहर का पानी कई थान वरत रही है, वह गंदा करके मुड़ के ना पाया जाए, वह गंदे पानी नू सोध के मुड़ वरतों च लिया जाए ये असी कहिंदे आ। बिल्कुल ये जिहड़ा प्रोजेक्ट है ये किन्नी देर पहला जिहड़ा स्टार्ट किया गया सी पंजाब सरकार वालों तो तुसी कह रहे हो कोई मान्यता इहनू मिली हुई है तो कदों ये स्टार्टअप होया सी तां तुहाडी निगाह दे विच कदों है? यह 2 साल पहले जमीन रिक्वायर हो रही सी तो नहर बारे नहीं सी पता इहदा ते 2 साल पहलों ये तो मेरे ख्याल लगता हूँ 1 साल का यह प्रोजेक्ट शुरू होया वा। पहलों जमीन 42 एकड़ रिक्वायर की गई है वो सरकार ने रिक्वायर करके दिती हुई है, जमीन साड़ी है, नहर का पानी साड़ा, तो ये तो भाई पैसे वटन वाले 666 करोड़ रुपया ये प्रोजेक्ट तो कहते लगना। ठीक है जी, तो यह उदों का प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं अजे प्रोजेक्ट रोकने का फैसला नहीं है। हाले तो पानी वाले मुद्दे थोड़े तक शहरां तक पिंडां तक घर घर तक पानी का मुद्दा है की है तो यह मनुखली किवें किन्ना जरूरी है भी पानी आ तो मनुखता आ ये प्रचार लगे ये अगली गल आऊगी रोकांगे। आने वाले समय दे विच तुसी कह रहे हो कि रोक सकते हो प्रोजेक्ट, क्यों नहीं नाल ही कड़ी गल जदों पंजाब दे विच सा जथेबंदियां रल के फैसला करनगियां प्रोजेक्ट रोकांगे। ये मतलब पंजाब दे विच पंजाब दा पानी लोगों नूं मुल वेचा जावे ये नहीं होंगे। होर जथेबंदियां नाल साथ देणगियां? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सारिआं दी सांझा मुद्दा कदे जथेबंदियां क्यों सारा जिहड़ा पंजाब दी सिविल सोसाइटी है वह साथ दऊगी जदों गल समझ आऊगी। लगता कि तुहाडियां इह जिहड़ियां मंगां ने इह सरकार इहनू ध्यान दे के कि इह प्रोजेक्ट जिहड़ा है इह बंद करन दे विच तुहाडी करेगी? देखो गल लोकां दे उत्ते आ, सरकार तां नहीं ध्यान दऊगी, जे मजबूरी बना देण लोक तां देणा पऊगा। कल नूं इहनां दे MLAs ने पिंडां 'च भी जाणा तो फिर वो पिंडा च हिसाब किताब पूरा हो। हाई लैवल से कारपोरेट घराने की गल है ना कि यह प्रोजेक्ट रुकूगा फिर? बिल्कुल क्यों नहीं, भावें हाई लैवल से हो देश के लोगों को कारपोरेट घराने का बड़े नहीं है, देश बड़ा वा देश के लोग बड़े आ, तो इस करके लोग जो उठ कलाउणगे जिवें खेती कानून भी कारपोरेट घराने की मदद ना ही आए थे ये भी उन्होंने मदद ना, पर लोगों ने जो फैसला कर लिया फिर सरकार नूं पिछे जाना जे नहीं रोकदे ते फिर इहदे बारे आउण वाले समें विच फैसले होणगे की करना किवें चलना। जिहड़ा हुण धरना दित्ता जा रहा है कदों तक धरना चलेगा? इह अज 3रा दिन आ, 2 दिन होर चलूगा, अगले फैसले फिर करांगे। बिल्कुल जिस तरीके दे नाल तुसीं देखिआ कि सरवन सिंह पंडेर जिहड़े ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे जनरल सूबा सकत्तर ने उन्हां दा कहना है कि लगातार पंजाब दे पानीआं दा मुद्दा पहलां भी सी तां हुण उन्हां दे वल्लों इस पानीआं दे मुद्दे नूं चुक्किआ गया ते जद तक इन्हां दा हल नहीं हुंदा इसे तरीके दे नाल इन्हां दे वल्लों संघर्ष जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवराज दे नाल विशाल शर्मा, लाइव भारत, अमृतसर।